ये मांगरोल नर्मदा डिस्ट्रिक्ट का गांव जो बाढ़ के बाद की कंडीशन है, जो कल बहुत बुरी तरह से बाढ़ आ गई थी यहाँ पे। नर्मदा नदी का डैम के गेट को ओपन होने की वजह से, बारिश तो हो ही रही थी, डैम ओपन हुआ तो ये कंडीशन है। आप देखिए इस तरह से बुरी कंडीशन हो गई, ये पूरे गांव का लिंक ख़त्म हो गया है। और बहुत सारे ऐसे जो पानी आया और बहुत सारे घर उखड़ गए हैं, उड़ गए हैं। देखिए इसमें ये नेचुरल डिजास्टर कहें इसको या ह्यूमन एरर कहें इसको, नेता लोग आते हैं और देख के चले जाते हैं। मैं तो यहाँ जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से ज़्यादा इधर उधर नहीं हो सकता, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन इस गांव की कंडीशन ऐसी है कि कम से कम 20 से 25 घर ऐसे हैं जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनके घरों में पानी चला गया। और ये देखिए ये बहुत सारे जो छोटे घर थे वो बह गए हैं। इनकी कंडीशन ऐसी है कि अगर इनको सरकार सहायता ना करे तो इनके पास खाने पीने का सामान नहीं बचेगा। देखिए इस तरह के जेसीबी और कुछ लग करके रोड बनाने का काम चालू है। इलेक्ट्रिसिटी के पोल गिर गए थे, उनको भी बनाने का काम चालू है। तो इस तरह की कंडीशन हो गई। लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं या ऐसा प्रलय या इस तरह का मिस्टेक किसी से ना हो फ्यूचर में, जिससे कि जान माल का नुकसान हो, सरकार को भी और डैम वालों को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। यहाँ मांगरोल नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के गांव में इस तरह का जो माहौल हुआ है, एक डर का माहौल बन गया है। लोग कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि यहाँ रहने लायक नहीं है। तो मेरी सरकार से मेरा ये निवेदन है कि कृपया इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, जिसके लिए यहाँ सुरक्षित बंदोबस्त किए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।